हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज संदीप कौर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ्स की बुक है। आप चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे आप सीबीएसई के बोर्ड के बच्चे हैं या स्टेट बोर्ड के, या जैसे कि यूपी बोर्ड्स, गुजरात बोर्ड, एमपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, किसी भी बोर्ड के चाहे आप बच्चे हैं, हर स्कूल में ओवरऑल इंडिया में यही बुक रिकमेंड की जाती है क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स को मैथ्स की। तो आप इसका इंडेक्स पेज देख लें, ध्यान से पहचान लें। आप सबको, जितने भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं, सबको ये बुक लगी होगी। तो इसमें आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाने वाली हूं कि इस पूरी एनसीईआरटी बुक में टोटल 15 चैप्टर्स हैं, और इन 15 चैप्टर्स में से क्या-क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, और कौन से क्वेश्चंस आपको बार-बार बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आज आपको यहां पे मार्क करवाने वाली हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चंस को मार्क करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो या अदर स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हो, तो बेटा आपका सिलेबस क्या है। बिकॉज पिछले 2-3 साल से कोविड के कारण सिलेबस में काफी रिडक्शन हो रही है, लेकिन इस साल सीबीएसई बोर्ड को अगर हम देखें तो ज्यादा रिडक्शन तो उन्होंने नहीं की, लेकिन सिर्फ एक 11th चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, जो उन्होंने डिलीट कर दिया है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। सीबीएसई बोर्ड वालों को बता रही हूँ। उसके अलावा पूरे चैप्टर्स में, बाकी के जो 14 चैप्टर्स रह गए, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिलीट किए गए हैं। तो उसकी बकायदा वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देख ले। बिकॉज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करने से पहले ये तो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा सिलेबस क्या है। उसके बाद अगर हम जाए मार्किंग स्कीम पे, मार्किंग स्कीम बोले तो मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम का एक तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्या है, मतलब आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। सीबीएसई ने तो अपने पेपर पैटर्न रिलीज कर दिए हैं, उसके ऊपर मैंने बकायदा वीडियो भी बनाया है। तो अगर अभी तक आपको पेपर पैटर्न नहीं पता तो जाए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप पेपर पैटर्न जान ले कि कितने सेक्शंस में आपको क्वेश्चन पेपर डिवाइड किया जाएगा और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो आप मेरे साथ साथ एनसीईआरटी बुक अपनी ओपन कीजिए, और साथ साथ में जो भी क्वेश्चंस या जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, उन टॉपिक्स को आप टिक करते जाइए, उन क्वेश्चंस को आप टिक करते जाइए, ताकि बोर्ड एग्जाम की या प्री बोर्ड्स की अब आपको तैयारी करनी है अच्छे से, तो आप ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल मिस मत नहीं करेंगे। अगर आप बेसिक के स्टूडेंट्स हैं तो मैं यही बोलूंगी कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, पूरी की पूरी बुक अच्छे से कर लीजिए अगर कर सकते हैं, नहीं तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ उनको तो बिल्कुल मत छोड़ना। और जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो एनसीईआरटी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी फॉलो करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी बुक मेरे साथ ओपन कर लीजिए और चैप्टर नंबर 1 निकालिए, रियल नंबर। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 निकालेंगे। 1.1 आप बोलेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो सीबीएसई के सिलेबस से तो हट चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस से ये हट चुका है, लेकिन इसमें जो एग्जांपल नंबर 4 है, जो आप ये एग्जांपल नंबर 4 देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद यहां पे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये दो क्वेश्चंस पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखें, आप अगर इसकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें, यहां पे सिर्फ आपको एचसीएफ फाइंड करना है, और वो एचसीएफ आप और वो एचसीएफ आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि ये एक्सरसाइज पे सिर्फ ये दो क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, ये दो क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है आपके, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम चैप्टर देखें तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की डेफिनेशन आपको अच्छे से करके जानी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क या 2 मार्क में इसको पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हम आए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 इसकी, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और प्लस आपको जो कंडीशन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, वो कंडीशन आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.2 का, और वो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7, ये चारों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी टाइम्स बोर्ड एग्जाम में आए भी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं एचसीएफ और एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन क्वेश्चन की आर एस अग्रवाल में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद रिविजिटिंग इरेशनल एक्सरसाइज जो 1.3 है, आपको 3 मार्क का क्वेश्चन एक पक्का इस चैप्टर में से आने वाला है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में से आएगा 1.3 में से। आपको प्रूफ दैट कुछ भी इरेशनल अंडर रूट में टर्म दे देंगे, उसको इरेशनल आपको प्रूफ करना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे एक क्वेश्चन पक्का है, आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि 3 नंबर आपके फ्री के नंबर है, मैं यही बोलूंगी। हर एक क्वेश्चन में सेम नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं, हर क्वेश्चन में वही स्टेप्स हैं, सिर्फ आपको अंडर रूट के अंदर जो 2 वैल्यू और 3 वैल्यू, सिर्फ उसी को चेंज आपको करना होता है।
उसके साथ वैसे तो अगर हम देखें हर साल एक्सरसाइज 1.4 में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पे एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता था, लेकिन इस साल सीबीएसई ने इस एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया है, तो इस साल इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर अदर स्टेट बोर्ड्स आपके सिलेबस में ये एक्सरसाइज है 1.4, तो आप उसको बिल्कुल स्किप मत करना। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। अब कम टू द चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की कुछ खास वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पता होना जरूरी है। यहाँ पे अगर हम एक्सरसाइज 2.1 पे देखें, तो 2.1 पे एक्स एक्सिस में जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। मतलब मेनली हमें एक्स एक्सिस को देखना है कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, तो वो नंबर ऑफ जीरो से बहुत ईजी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये जो रिलेशनशिप आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये सम ऑफ जीरोज और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये पेज नंबर है 29 आपकी एनसीईआरटी बुक में। उसके बाद अगर हम पेज नंबर 30 पे जाएं, तो एग्जांपल नंबर 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे एक क्वेश्चन तो आपको पक्का आ सकता है, सीधा 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 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ये आ सकता है, क्योंकि इसमें आपको याद जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फाइंड करने को बोल देंगे, इसलिए आपको स्प्लिटिंग मेथड, ये स्प्लिटिंग मेथड आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक्स की वैल्यूज पता होना चाहिए। उसके बाद आपको वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट आपको पूछ सकते हैं, जिसमें आपको सम ऑफ जीरोज उसका फॉर्मुला लगा के आपको उसको वैल्यूज निकालनी है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के साथ उसको आपको रिलेट करके उसका रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना है। तो दिस क्वेश्चन, दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे आए, जहां पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है, सम एंड प्रोडक्ट, यहां पे आपको जीरोस के सम प्रोडक्ट गिवन होंगे, या हो सकता है आपको जीरोस दे दिए जाए, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी जाए, और वहां से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद से बनाना है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके बनाएंगे आप, तो वो बहुत ही ईजी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 मैं कहूंगी कि दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पे स्टार मार्क कर ले। ये एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है, क्योंकि बस यही है आपके सिलेबस में, तो आप अगर इसको भी छोड़ जाएंगे तो आप पॉलिनोमियल से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी मैं यही बोलूंगी कि चाहे किसी भी आप बोर्ड के बच्चे हो, इस चैप्टर में से ना एनसीईआरटी बुक में से बहुत कम रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कोशिश करें कि आरएस अग्रवाल के इसके एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर अदर स्टेट बोर्ड्स के डिवीजन एल्गोरिदम उनके सिलेबस में है, तो वो एक्सरसाइज 2.3 कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो उनको ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। अब चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, ठीक है। इलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे टेबल 3.4 की, पेज नंबर 46 पे ये 3.4 टेबल जो है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कब आती हैं, पैरेलल लाइंस कब आती हैं, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है कि आपको 2 इक्वेशंस गिवन होंगी और नीचे 4 ऑप्शंस दे दी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे 4थी ऑप्शन मैंने एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस कह देंगे, तो आपको ये लगा के, कंडीशन लगा के आपको फाइंड करना है कि कौन सा सोल्यूशन ये बनता है। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर में एक तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, दूसरा आपको ये टेबल पता होना चाहिए, तीसरा आपको सब्स्टिट्यूशन इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना आना चाहिए, और चौथा मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको क्या करना है, सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से करनी है इस चैप्टर की, क्योंकि आपको सीधा सीधा 3 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से 3 मार्क का क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में आने वाला है। तो वर्ड प्रॉब्लम जरूर करें। अगर आप इस पेज नंबर 50 पे आए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.3 में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि 3 मार्क्स में आपको वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाने वाले हैं, तो मैं इसमें से कुछ भी मार्क नहीं करवाने वाली। थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर के, आप सारे के सारे अच्छे से कर लें। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो 3.5 एक्सरसाइज है, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का है, ठीक है, उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पेज नंबर 61 पे ये एग्जांपल नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं कि आपको सोल्यूशन गिवन होगा कि यूनिक है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, क्या है, आपको उसकी कंडीशन लगानी है, जैसे यहां पे यूनिक गिवन है उसकी कंडीशन लगाई और पी की वैल्यू आपने निकालनी है। ये आपको एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, के की वैल्यू निकालनी है, और यहां पे एक्सरसाइज 3.5 में आए तो क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आपको डेफिनेटली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 3 मार्क में आएगा वो आपको वर्ड प्रॉब्लम आएगा, तो इस एक्सरसाइज की ये सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स वेरी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि एग्जांपल नंबर जो 19 है इसको बिल्कुल स्किप मत करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स 2 वुमेन वाली और रूही वाली और डाउनस्ट्रीम, ये तीनों बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ऑप्शनल एक्सरसाइज पे आएँ, तो ऑप्शनल एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन नंबर 7 पे जोर देना है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप जरूर अच्छे से करेंगे, राइट। उसके बाद आ जाओ क्वाड्रेटिक पे। तो क्वाड्रेटिक पे भी आपको सीधा सीधा 5 नंबर में एक आपको वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाएगा। अब आपको हो सकता है चैप्टर 3 से 5 नंबर का पूछ लें और चैप्टर 4 से 3 नंबर का पूछ लें, ये बोले तो सीबीएसई वालों पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको एक वर्ड प्रॉब्लम 3 मार्क में और एक वर्ड प्रॉब्लम 5 मार्क में पक्का आएगी, या चैप्टर नंबर 3 से आएगी या वो आपको चैप्टर नंबर 4 से आएगी। तो इसी अकॉर्डिंग आप अपनी अच्छे से प्रेपरेशन कर लें। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछ सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे इस तरह से, और अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या पूछ लेंगे कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही। ठीक है, इसके रिलेटेड आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मैं अगेन बोलूंगी कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, 4.2 की ये वर्ड प्रॉब्लम्स ये आप सारी करेंगे। उसके बाद 4.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर हम आए तो यहाँ पे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं लगाना, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से करना है, ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप अच्छे से करें, इसको बिल्कुल स्किप मत करके जाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने का फायदा ये होता है, अगर आपसे सप्लिटिंग मेथड नहीं लग रहा, आपको फैक्टर्स नहीं बन रहे आप, तो आप सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सीधा सीधा 2 नंबर में ना बोर्ड एग्जाम में इतनी बार रिपीट हुआ है, अभी तो आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया, नहीं तो ये सीधा सीधा 3 नंबर में भी पूछ लेते हैं, 3 मार्क्स में भी। ठीक है, उसके बाद आपको सीधे के सीधे जो एग्जाम्पल नंबर है 15, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें मैं जितने भी स्टार मार्क्स लगाऊं उतने ही कम है, सीधा के सीधा ये 5 मार्क की इंपॉर्टेंट है, सीधा मैं बोलूंगी ये 5 मार्क में आपको एग्जांपल आने वाली है, समझ के करोगे तो ज्यादा बेटर है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको रट्टा मार लो चाहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज के आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 11 तक सारे क्वेश्चन, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम 5 मार्क में आएगी, तो मैं यही कहूंगी कि एनसीईआरटी की तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपको स्किप नहीं करनी। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके उसके ऊपर पक्का 1 मार्क में एमसीक्यू क्वेश्चन या ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स में पूछ लेंगे। ठीक है, किस तरह से कि आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है, या आपको 4 ऑप्शन दे देंगे अगर एमसीक्यू में पूछेंगे नेचर ऑफ रूट्स की, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के, यानी कि b² - 4ac लगा के आपको पता करना है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। उसके बाद हम चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपके सिलेबस में पूरे का पूरा आने वाला है, लेकिन इसमें अगर हम सीबीएसई बोर्ड के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जाएं तो पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन इसमें आपको आ सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के, जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज जाएं 5.3 पे, 5.3 एक्सरसाइज निकाले, ठीक है, उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स 15th से स्टार्ट हो जाती हैं और कहाँ तक चलती हैं, ये 20 तक। तो ये सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको केस बेस्ड में पूछी जा सकती है, जैसे ये पोटैटो रेस वाली, ये 200 लॉग्स वाली, उसके बाद ये स्पायरल वाली, यहाँ पे ये जो 3 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस पे उसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा भी केस बेस्ड बन के आ सकता है। सो मेक इट क्लियर दैट कि आपको एस एन का फॉर्मूला, आपको ए एन का फॉर्मूला, आपको लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, फ्रॉम द एंड से कैसे निकालते हैं 20th टर्म, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप क्वेश्चंस की बात करें कि मैं आपको क्वेश्चंस मार्क करवाऊं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा सच इसमें 1-2 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस ना करें, एंड में जब टाइम बच जाए आप बाकी सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लें, तो आप इनमें से ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉट श्योर दैट कि इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर हम सैम्पल क्वेश्चन पे देखें तो सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चन एक बन रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने का फायदा ये होगा कि अगर केस बेस्ड में आपसे मान लो 31st टर्म पूछा गया है, तो आप अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 31st टर्म निकालना आ जाएगा। अगर आपसे केस बेस्ड में पूछा गया है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से निकालें, तो अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट नहीं आ जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप क्वेश्चंस कर लीजिए, एसएन का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज का 5.3 का 4 का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 5.4 एक्सरसाइज का। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स पे। ट्राइंगल्स पे आपको 1-1 मार्क के ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, सो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम वेपेटी थ्योरम पे आएँ, वेपेटी थ्योरम यानी कि 6.1 थ्योरम पेज नंबर 1-4, ये सीधा सीधा आपको 5 मार्क्स में पूछी जाएगी, सीधा सीधा आपको 5 मार्क में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी 1-1, 2-2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको यहाँ इन एग्जाम्पल्स में से कुछ आ सकता है 2 मार्क का, ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ 1 मार्क में इन 1 मार्क का यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, लेकिन ये जो है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये सीधा 5 मार्क में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर करें। उसके बाद एक्सरसाइज नेक्स्ट निकालने, नेक्स्ट आपके सिलेबस में ये भी 11 से लेके ये 5th 16 तक, ये 5 मार्क में इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप
यहाँ पे ये जो एंगल्स निकालने हैं ये आप कर सकते हैं 1 मार्क या 2 मार्क में इसकी प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इसका इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 पे आगे चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अगर हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको डायरेक्ट क्या पूछा गया है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन। तो वो 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 केस बेस्ड बनता है। और अगर हम 7.1 पे आए तो 7.1 पे भी इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 केस बेस्ड बनता है। उसके अलावा केस बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं बनता। तो ये सीधा 6 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा 6 मार्क्स का इस चैप्टर में से आने वाला है। तो बाकी 1-1 मार्क के आपको 2 MCQ आ जाएंगे। तो वो कुछ भी आ सकते हैं कि आपको जैसे यहाँ पे 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट आपको बताना है कि कौन सी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन रही है। आपको नीचे 4 ऑप्शंस दे देंगे, रॉम्बस हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो आपको बताना है इसमें फाइंड करके डिस्टेंस फॉर्मूलाज लगा के आपको बताना है कि कौन सी शेप बन रही है। उसके अलावा ये जो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7-8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे साइड पे एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 160 पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7.9 के जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.1 के ये लास्ट 2 क्वेश्चंस 9 और 10 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं आपको वो पता होना चाहिए। उसकी ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको नेक्स्ट हम आए तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 10 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज पे आ जाओ तो जहाँ पे रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट्स और ये एरिया फाइंड करना। तो ये तो आपको केस बेस में पूछा जा सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके सिलेबस में नहीं है, स्किप कर दो। नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर नंबर 8 पे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 1-1 मार्क पे 2-3 क्वेश्चंस तो पक्का आ जाएंगे, एक 2 नंबर में आ जाएगा, एक 3 नंबर में भी आएगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से करिए। अब सीधा अगर हम बात करें 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तो वो तो आपको एक्सरसाइज 8.4 में से ही आएगा, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन। और 1-1, 2-2 मार्क में आपको क्वेश्चन, अब 2 मार्क में ही एग्जाम्पल नंबर 2 पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप एक्सरसाइज अगर 8.1 पे आए तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 ये पेज नंबर 180। उसके बाद ये एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये फर्स्ट पार्ट बहुत बार आया है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8, तो ये क्वेश्चन नंबर 10। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये टेबल आपको अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आपको टेबल नहीं बनाना आता तो आप ये 8.2 एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। तो मैं इसको लर्न करने को नहीं बोलूंगी, इसका मेथड मैंने अपनी वीडियोज में बताया है, आप मेरी वीडियोज में इसका मैथ अब मैंने किसी एक वीडियो में बताया है, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आई इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 3। और ये आपको ये वाले और ये क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ना आपके सिलेबस में तो नहीं है, मैं बोलूंगी आप कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको +1 में मैथ्स लेना है तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप कर ले, क्योंकि अगर हम सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखें तो उसमें 1 मार्क का इसमें क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। तो इसमें इसलिए आप ये 1, 2, 3 क्वेश्चंस कर सकते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, 1 मार्क में अगर आ गया ताकि आप छोड़ के ना जा सके। प्रूव दैट 3 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। अब प्रूव दैट में एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सरसाइज 8.4 में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके सारे पार्ट्स प्रूव दैट वाले करने हैं, तो ये इसमें से क्वेश्चन पक्का आपको आ सकता है। चलते हैं चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा सिर्फ, तो उसमें आपको टावर वाले पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। टावर वाला इंपॉर्टेंट है या बिल्डिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये फ्लैग वाला इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 5। ये शेडो ऑफ द टार आपको MCQ में कई बार आया, लेकिन इस बार आपको MCQ में मे भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सीधा आपको एक ही केस बेस्ड आएगा, मल्टी स्टोरीड में केस बेस्ड बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम एक्सरसाइज में आए तो ये टी ब्रेक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको ये स्टेचू वाला, ठीक है, कहाँ गया स्टैचू वाला, ये क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे ये काइट फ्लाइंग का क्वेश्चन नंबर, फिर 2 पोल्स वाला क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे ये टॉप बिल्डिंग ही टावर वाला। तो ये क्वेश्चंस पे केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से, इस चैप्टर में तो ना एवरी क्वेश्चन पे केस बेस्ड बहुत अच्छे से बन सकता है, तो इस चैप्टर में केस बेस्ड आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस इसकी कर लीजिए। चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स। तो सर्कल्स में भी अच्छी खासी वेटेज है, 6 या 7 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको MCQ क्वेश्चंस तो आपको इस तरह के 10.1 में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है वो पूछे जाएंगे। 2 थ्योरम्स इसमें से हैं, 10.1 और 10.2 थ्योरम। 10.2 थ्योरम आपको 2 या 3 मार्क्स में आ सकती है, 10.1 भी आने के चांसेस में भी आ जाए, लेकिन कुछ खास नहीं है ये। उसके बाद 10 पॉइंट हम जाएँ 2 एक्सरसाइज पे, तो इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 बहुत बार रिपीट हुई है बोर्ड एग्जाम में, तो इसकी एग्जाम्पल्स को बिल्कुल मत छोड़ना। एक्सरसाइज में MCQ में ये पहले 3 क्वेश्चन MCQ में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट
पेज पे आए तो ये क्वेश्चन नंबर बोर्ड, ये क्वेश्चन फोर बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर एट बहुत बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये तीन क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुए हैं, और उसके बाद एंड वाला 13 बहुत रिपीट हुआ है, तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर चलते हैं 11, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सीबीएसई बोर्ड में बिल्कुल डिलीट हो चुका है, अगर अदर स्टेट बोर्ड के ये वीडियो देख रहे हैं तो इसकी 11.1 एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 11.2। अब चलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की वेटेज बहुत कम है, चैप्टर बड़ा है, तो जैसे मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताया है कि आप केस बेस्ड पे आप इसको एंड में करिए, वैसे ही एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स भी आप इसको एंड में करिए, क्योंकि इसकी वेटेज भी कम है, ये भी हार्डली आपको 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। अब अगर हम 12.1 में आए तो इसकी एग्जाम्पल 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पहले दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 केस बेस्ड में आ सकता था, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं है, तो आप इसकी प्रैक्टिस मत करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज एरिया ऑफ सेक्टर्स में। तो एरिया ऑफ सेक्टर्स में आपको एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मुला लगाना आना चाहिए, दोनों फॉर्मुलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेटेड ये जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में ये हॉर्स वाला हो गया, ब्रॉच वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अम्ब्रेला, ये वार, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपको 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 4 मार्क्स में नहीं होगी इसकी वेटेज, क्योंकि आपको एक आधा एमसीक्यू भी आएगा, तो 4 मार्क्स की इसकी वेटेज नहीं होगी। आगे ये जो शेडेड रीजन है, आपके पास टाइम होगा तो इसके एक दो दो चार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन इसमें से बहुत चांसेस कम है कि इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन आए। लेकिन अगर शेडेड रीजन वाला करना है, जैसे ये वाला फिगर वाला क्वेश्चन है 12.23, मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये 3-4 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, इस एक्सरसाइज में से। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये 12.27, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देन ये दो फिगर्स वाले ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से आप इन ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पे। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पे सीधा सीधा 5 नंबर पे क्वेश्चन पूछे जाएगा, 5 नंबर पे सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक आधा एमसीक्यू आ जाएगा। अब एमसीक्यू तो आप बहुत ईजिली आपको एक सर्फेस एरिया या वॉल्यूम का फॉर्मुला लगा के सॉल्व करना है, लेकिन 5 मार्क्स में क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 242, 242 पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आई है। एग्जाम्पल नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ना 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इजीली बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से 5 नंबर पे बन सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला हो गया, ये मेडिसिन कैप्सूल वाला क्वेश्चन हो गया, ये 10th वाला क्वेश्चन, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9, तो ये वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से। ये जूस सेलर वाला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 है ये। उसके बाद 13.2 में आए तो 13.2 में आपको क्वेश्चन यहाँ पे एक गुलाब जामुन वाला, ये पेन स्टैंड वाला, ये वेसल वाला, ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये 13.3 में आए तो एज कम्पेयर टू 13.1 एंड 13.2, 13.3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको ये डायामीटर, ये जो पहले दो क्वेश्चंस है ये तो आपको सीधा 1, 1, 2, 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं, और 5 मार्क में ये डायामीटर वाला, ये 3rd और 4th क्वेश्चन, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। और इसी के नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ये दो क्वेश्चंस, ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं, फर्स्ट टर्म आपके सिलेबस से हट चुका है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स पे 1 मार्क के आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मुला आपसे पूछ सकते हैं। आपको मीन मीडियन मोड का फॉर्मुला पता होना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपेरिकल फॉर्मुला अगर नहीं आपको पता तो मैं बता दूँ कहाँ पे गिवन है, पेज नंबर आप निकालेंगे तो इंपेरिकल फॉर्मुला है आपके पेज नंबर 286 पे, ये वाला इंपेरिकल फॉर्मुला, इसको हम बोलते हैं इंपेरिकल रिलेशनशिप। इस पे आपको 1 मार्क में सीधा एज इट इज फॉर्मुला पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शंस दे देंगे अलग अलग तरीके से, आपको बताना है एग्जैक्ट राइट फॉर्मुला क्या है, या आपको इसमें से 2 ऑप्शंस दे देंगे, जैसे मीन दे दिया, मोड दे दिया, आपको मीडियन निकालना है, या मीडियन मोड दे देंगे, आपको मीन निकालना है। तो इस तरह से ये आपको फॉर्मुला आना अच्छे से जरूरी है। 1, 1, 2, 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। उसके बाद आपको सीधा इसमें से क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का, तो 5 मार्क का, तो वो आपको मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी से आए, कहीं से भी आ सकता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, 5 मार्क में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी में भी 1-1 मार्क के क्वेश्चन एक आधा आएगा, 1 मार्क का एक आधा क्वेश्चन, और एक आधा सीधा 3 मार्क में आएगा। अब 3 मार्क में आपको, 3 मार्क में आपको ये 52 कार्ड्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब 52 कार्ड्स में से, अब ये 52 कार्ड्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी आपको ये बेसिक नॉलेज पता होना जरूरी है। 1 मार्क में आपको ये कंडीशन पूछ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें आपको 1-1 मार्क के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, 1 मार्क के आप सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे।
प्लस आपको या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें मैंने बताए हैं उसमें से हट के कुछ भी नहीं आने वाला वो प्रोबेबिलिटी में से, तो सिर्फ वही क्वेश्चंस कर ले प्रोबेबिलिटी के, तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं जितने भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो ये मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बुक में से बता दिए, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर पता चल जाए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाए तो किसको अच्छा नहीं लगता। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको अगर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।